अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैटेलाइट स्क्वाड में सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो दोस्तों, ये पान कार्डिश इस वक्त सेट है एशिया सेट 105.5 ईस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको एशिया सेट 105.5 ईस्ट से जी सेट 3S से ईस्ट सेट करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे वही पुरानी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। तो सबसे पहले मैं आपको एशिया सेट 105.5 ईस्ट की फ्रिक्वेंसी दिखाता हूँ जो कि इस वक्त मेरे सैटेलाइट पैंडर में चल रहा है। ये एयरवाई का एक चैनल मेरे साथ इस वक्त चल रहा है और इसकी फ्रिक्वेंसी है 4657 वर्टिकल 24666। तो दोस्तों, मैं बैक साइड से आपको इसका पोजीशन भी दिखाता हूँ। ये देख ले फ्रेंड्स, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये एक निशान है एशिया सेट 105 का और दूसरा है जी सेट 3SC ईस्ट का। अभी 105 पर डिश सेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी मैं अपने सैटेलाइट फाइंडर में जी सेट 3SC ईस्ट का कोई भी चैनल लगाता हूँ जिसका फ्रिक्वेंसी भी स्ट्रांग हो और जल्दी रिसीव हो। ये मैंने DD हिसार वाला चैनल सेलेक्ट किया दोस्तों, और इसकी फ्रिक्वेंसी है 3770 वर्टिकल 2898। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने डिश को आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड पे मूव करूंगा और उसी लाइन पे मैं अपने डिश को लेके आऊंगा जहां पर मैंने 3SC ईस्ट का निशान लगाया है। ये मैं अपने डिश को राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ। ये देख ले दोस्तों, मैं उसी निशान पर अपने डिश को लेकर आया। अभी मैं बैक साइड से आपको अप डाउन दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये निशान है एशिया सेट 105 का और ऊपर वाला निशान है जी सेट 3SC ईस्ट का। इनके बीच में तकरीबन ये फासला मैं इंच टेप के ज़रिए आपको अभी दिखाता हूँ कि ये कितना बन रहा है। ये तकरीबन फ्रेंड्स 1 इंच लगभग बन रहा है जी सेट 3SC और 105 ईस्ट के दरमियान में फासला। दोस्तों, अभी मैं अपने डिश को ऊपर की साइड पे उठाऊंगा और उसी निशान पर मैं लेकर आऊंगा जो निशान मैंने आपको दिखाया 3SC ईस्ट वाला। तो ये देख ले दोस्तों, सिग्नल रिसीव हो गया। अभी इसका मैं अच्छी तरीके से ट्यून करूं ताकि सिग्नल और भी बढ़ जाए। ये अभी 45-46% है। ये देख ले दोस्तों, 60-64 तक सिग्नल जा रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिग्नल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊँ, लेकिन ये 64-65 से आगे नहीं जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये भी सही है। तो चलो, बाकी चैन लिस्ट मैं टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, ये मैं टीवी की तरफ आ गया। कोई भी टीवी मेरे साथ ऐड नहीं है। मैं इसको आपके सामने ब्लेंड सर्च करता हूँ और देखते हैं कि जी सेट 3SC ईस्ट सी बैंड में हमारे साथ टोटल कितनी फ्रिक्वेंसी और उसी फ्रिक्वेंसीयों पर टोटल कितने चैन रिसीव होते हैं। दोस्तों, जी सेट 3SC ईस्ट का डिश साइज पूरे पाकिस्तान में 5 फुट से लेकर 6-7 फुट तक है। इससे कम पर 5 फुट पर भी ये पूरा रिसीव नहीं होता, लेकिन बहरहाल 100-100+ चैनल रिसीव हो जाते हैं। ये चैनल अभी सर्च हो रहे हैं, 77, 81, 84। देखते हैं कि टोटल कितने चैनल हमारे साथ रिसीव हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये स्कैनिंग कंप्लीट हो गई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टोटल चैनल लिस्ट कि टोटल हमारे साथ जी सेट 3SC ईस्ट में कितने चैनल रिसीव हो गए हैं। 126 दोस्तों, टोटल 126 चैनल रिसीव हो गए हैं। इसमें कुछ चैनल्स ये पेड भी है जो कि नहीं चलेंगे। जिन चैनलों को डॉलर का निशान है तो वो नहीं चलेगा। जो फ्री चैनल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी सेट 3SC ईस्ट का। ये देख ले दोस्तों, ग्रेस TV, इसका सिग्नल वीक है, लेकिन बहरहाल मकसद आपको सेटिंग दिखाना था जो कि मैंने पहले ही दिखा दिया। ये इंटरट्रेन हो गया, 52% सिग्नल है, लेकिन ये काफ़ी वीक है। दंगल, दिव्या, ये देख ले, इसी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल वीक है। ए टेस्ट, A1 TV, News 7, ये भी कोई टेस्ट है, टेस्ट 3 हो गया। ये देख ले DD हिसार,
इसका सिग्नल 91% अभी है। SVBC 2 ये GZ83 ईस्ट के चैनल्स है, सी बैंड। ये कोई इतना ख़ास सैटेलाइट नहीं है, इसमें जो चैनल है ये NSS 5 में ईस्ट में भी आप देख सकते हो, प्री टू एयर वहाँ पर KU बैंड में भी है। ये अननेम के नाम से कुछ चैनल है, इसका भी सिग्नल बराबर है। ये भी अननेम के नाम से एक न्यूज़ का चैनल है। ये NTV बख्ती, ये भी न्यूज़ का एक चैनल है। ये वाला चैनल ओपन नहीं हुआ, NL TV, इस पर ट्राई करते हैं। ये चल गया तो ये चैनल स्क्रैम्बल चैनल है दोस्तों, MH1 न्यूज़ ये भी चल रहा है। इसके बाद है MH1 म्यूज़िक है, म्यूज़िक का चैनल है MH1, ये भी एक चैनल है लाइव, मेरे ख्याल में न्यूज़ का चैनल है। बेंसाल न्यूज़, नेक्स्ट्रा, मूवी प्लस, नॉनस्टॉप म्यूज़िक का एक चैनल है बल्ले बल्ले, लॉर्ड बुद्धा TV। कुछ चैनलों के सिग्नल वीक है लेकिन बहरहाल गुजारा हो रहा है। अगर ये 6 फुट का डिश होता तो फिर ये सिग्नल हरगिज़ वीक नहीं होते, फिर ये स्मूथली चल जाते ये चैनल। मेरा डिश साइज 5 फुट है इसलिए इस पर ये चैनल्स वीक है। ये DNN हो गया, इसमें कोई ख़ास चैनल तो अभी तक नहीं आया जो कि मैं कहूँ कि ये अच्छा चैनल है। इसमें मुझे एक भी चैनल अच्छा नहीं लगा। आई लव बॉक्स सिनेमा, सिग्नल वीक। तहजीब TV, इसका भी सिग्नल वीक। न्यूज़ 18 ऑफ UK, तरंग म्यूज़िक OTV, देख ले फ्रेंड्स, 40-74 वर्टिकल, GN में 100, टेस्ट 6, HEVC HD टेस्ट है ये भी, इस पर कुछ भी नहीं है। ये देख ले फ्रेंड्स, जी हिंदुस्तान 24 घंटा, 24 टास्क, GZ83 C-band सेटेलाइट में मुझे कोई भी चैनल काम का नहीं लगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।